Welcome to SJ Inceptions, your aquarium channel. Today, for the very first time, I am at Bhopal in Madhya Pradesh. So, मैं आया हूँ यहाँ पर एक passionate hobbyist के amazing aquarium fish और reptiles cover करने के लिए, जिनको देखकर आपको बड़ा मज़ा आएगा. So, make sure you stay tuned till the end of the video. So, अभी हमारे साथ है यहाँ पर Mr. Abhishek Chauhan. Hi, how are you doing? बिल्कुल एकदम बढ़िया है. आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे भोपाल में पहली बार इनवाइट करने के लिए. एंड आपके पास काफ़ी सारे एग्जॉटिक फिशेस है और रेप्टाइल्स है जिनको देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ पर ज़रूर विजिट करूँगा आपके यहाँ पर. और हमारे सारे व्यूवर्स को आपके जो एग्जॉटिक फिशेस है और रेप्टाइल्स है जिनको आपने इतने अच्छे से एकदम प्रॉपर ढंग में रखा है, मेंटेन किया है, वो सारे हमारे हॉबीज़ को और व्यूवर्स को दिखाओ. तो कुछ कहना चाहेंगे आप बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ पे आए हैं, भोपाल आए हैं एमपी के में. और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें एग्जॉटिक में हमारे मतलब एमपी में या भोपाल में, इंदौर में, ये बहुत कम ही आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ पे फ़िश हॉबी इतना ज़्यादा वो नहीं है कि यहाँ पे मतलब इस वैरायटी में फ़िश आपको नहीं मिलेंगे, या रेप्टाइल्स में या बॉल पाइथन्स वगैरह कुछ भी ले लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा. बट कॉमन वैरायटीज सारी आपको देखने को मिलेंगी. बट मैं वीडियो के थ्रू मतलब यही दिखा बताना चाहता हूँ कि ये फ़िश भी आप रख सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से अपन इनको पाल सकते हैं और ये सर्वाइव भी करती है. और जो भी मैंने इससे एक्सपीरियंस मेरा है, जो भी नॉलेज मैंने गेन किया है, वो मैं अपने आपके व्यूअर्स जो भी हैं उनको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से इनको रखते हैं, कैसी हैंडलिंग करेंगे इनको, क्या डाइट देते हैं अपन, जैसे भी मेंटेनेंस कैसे रखते हैं, ये मैं बताना चाहूँगा. जी, तो सबसे पहले हम आपके एग्जॉटिक फिशेस की वीडियो बनाएंगे, फिर आपके रेप्टाइल्स की हम लोग वीडियो बनाएंगे. तो मैं बहुत उत्सुक हूँ हमारे सारे व्यूअर्स को आपके एग्जॉटिक दिखाने के लिए. कैन वी प्लीज प्रोसीड? आइए. सो प्रेजेंटिंग बिफोर यू द अमेजिंग मॉन्स्टर फिश टैंक. Here is that awesome monster fish tank जिसकी वीडियो आज हम लोग बना रहे. और इस फिश टैंक में है एक से बढ़कर एक एग्जॉटिक फिश, मॉन्स्टर फिश, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. इसमें से कई सारे मॉन्स्टर फिशेस मेरे खुद के फेवरेट्स हैं. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपकी सबसे फेवरेट फिश इसमें से कौन सी है. तो आज हम बात करेंगे इस एक्वेरियम के डायमेंशंस के बारे में, फिल्ट्रेशन के बारे में, हर एक फ़िश के बारे में जानकारी लेंगे, इनको कब लाया, कैसे रखा गया, इनके टेम्परमेंट के बारे में, और जानेंगे अंत में इनके फीडिंग के बारे में, देखेंगे किस तरह से ये फीडिंग लेते हैं. सो अभिषेक भाई, वाकई में आपकी मॉन्स्टर फिश टैंक बहुत काबिल तारीफ़ है, बहुत लाजवाब है, और देख कर मेरा दिल खुश हो गया. तो मेरे साथ हमारे व्यूवर्स भी उत्सुक रहेंगे इन फिशेस के बारे में जानने के लिए. पर सबसे पहले क्या आप बता सकते हैं इस मॉन्स्टर फिश टैंक की डायमेंशंस? ये इम्पोर्टेड फिश टैंक दिख रही है, तो इसलिए इसका जो लुक है और भी ब्यूटीफुल दिख रहा है. तो पहले क्या आप हमें इसकी साइज़ और इसकी फिल्ट्रेशन बता सकते हैं? ये जो टैंक है ये इम्पोर्टेड टैंक है, RS इलेक्ट्रिकल का, और मोल्डेड ग्लास के साथ में है. और इसकी डायमेंशन देखा जाए तो इसकी लेंथ जो है वो 5 फीट है, और डेप्थ 1.5 फीट इसकी डेप्थ है, और हाइट इसकी 3 फीट है सिर्फ टैंक की. और ओवरऑल ऊपर से नीचे तक देखा जाएगा तो इस टैंक की हाइट होती है 5 फीट टोटल, नीचे से ऊपर तक अगर देखते हैं तो. और ये टैंक जो है ये सम फिल्ट्रेशन के साथ में है. आप देखेंगे इसका यहाँ पर सम फिल्टर है नीचे पूरा, इसमें 4 फीट का सम फिल्ट्रेशन दिया हुआ है. और इसमें मैंने बहुत सारा बायोमीडिया वगैरह ये सब ऐड किया हुआ है. यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सेरेमिक रिंग वगैरह है, लावा रॉक है, बायो बॉल्स है, ये सब मैंने ऐड किया हुआ है. ये इसकी बास्केट है जहाँ पर कि इसका नेट लगाते हैं हम, यहाँ से फिल्टर होके पानी नीचे जाता है और फिर वहाँ जा कर के मशीन से पानी ऊपर आ जाता है. और ये जो सेक्शन दिया हुआ है इसमें ये टेम्परेचर बताता है टैंक का, क्या टेम्परेचर आ रहा है, प्लस डेट वगैरह टाइम ये भी बताता है, बट अभी मैंने सेट नहीं किया हुआ है. तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट RS इलेक्ट्रिकल का टैंक है.
So just look at this tank, it is looking so eye pleasing, and the movement of these monsters, it is so graceful. तो ऐसी monster fish tank जब देखने को मिलती है तो ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहूँ. And ये कोई सेल का वीडियो नहीं है, इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि एक हॉबीस्ट जब मॉन्स्टर्स को अच्छे से रखता है, प्रॉपरली रखता है, तो देखिए ये कितने रिवॉर्डिंग हैं. इनकी साइज़ जब आपके आँखों के सामने आप ग्रो होते देखते हो तब आपको अपने आप में इतना अच्छा फील होता है, एंड ऐसी फीलिंग जो आप बयान नहीं कर सकते. दिस फीलिंग इज़ बियॉन्ड वर्ड्स टू एक्सप्रेस. सो मैं भोपाल इसी उद्देश्य से आया कि इन पैशनेट हॉबिस्ट के ये सारे ब्यूटीफुल मॉन्स्टर्स आपको दिखाऊं, किस तरह से इन्होंने इनको रखा है और बड़े ही कम समय में इन्होंने ग्रोथ अच्छी पकड़ी है. उसका रीज़न हम जानेंगे और कैसे इनकी मेंटेनेंस करी वो सब इनसे जानेंगे. और शॉर्ट में हर एक फ़िश के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं इस कार के बारे में, विच इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मॉन्स्टर फिश, जो देखिए एकदम मस्त स्विम कर रही है, झूम रही है पूरे टैंक में. एंड आई थिंक इट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव फिश इन दिस मॉन्स्टर फिश टैंक. सो लेट अस नो फ्रॉम द हॉबीस्ट हिमसेल्फ. जी, तो सबसे पहले हमको आपकी इस गार की स्टोरी बताइए, कब आप लेकर आए और आपको कैसा लगा कि इतने सारे गार्स में मैं प्लैटिनम गार रखूँ, मतलब क्या अट्रैक्ट किया आपको इस गार को रखने में, तो वो जानना चाहूँगा. और कैसा बिहेवियर है इसका, कैसा टेम्परमेंट है और फीडिंग कैसे लेती है, वो सब जो भी आप कहना चाहेंगे. ये प्लैटिनम गार है और इसको मैं लास्ट ईयर 22 में जून में लेकर के आया था, और अभी 23 जून, मतलब ऑलमोस्ट ये 1 ईयर होने वाली है, अभी कुछ दिनों बाद ही है, 1 साल की हो जाएगी मेरे पास में. और जब मैं लेकर के आया था इसको, जब इसका साइज़ 8 to 9 inches था, और अभी ये साल भर में इसका साइज़ अप्रॉक्स आप मान के चलें 2 feet प्लस इसका साइज़ अभी हो गया है. और इसको लेके आने का सबसे मेन रीज़न यही था कि मैंने आपका वीडियो देखा था ड्रैगो पैट्स में, सयान सर बता रहे थे इसके बारे में. तो एक्चुअली क्या था, हम लोग के यहाँ पे भोपाल में, एमपी में कभी मैंने ये चीज़ देखी नहीं थी, और मैंने एमपी में क्या, मैंने बाहर भी कभी नहीं देखा था, आपके वीडियो पे ही मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था. और सयान सर ने जैसे कि समझाया था इसमें कि ये ऐसा है, इसका नेचर ये है, तो उससे मैं फिर थोड़ा सा करके मैंने कोशिश किया कि मैं भी लेता हूँ कहीं से, तो फिर मेरे को मिला ये, मुंबई से मैं लिया हूँ इसको. और फिर अभी ऑलमोस्ट ये साल भर कम्प्लीट कर लिया है, बट इसका बीच में जब ये 3-4 month मेरे पास था उस टाइम पे इसको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, और प्रॉब्लम होने के बाद में मैंने फिर सबसे पहले मेरे को सयान सर का ही ख्याल आया, फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे हेल्प किया कि इसको कैसे उससे कम आउट किया जाए. और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं आपके सामने है ये, और ये एकदम हेल्दी है और अच्छे से चल रहा है. अभी बस ये हुआ कि अनएक्सपेक्टेड इसका साइज़ बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो अब मैं नेक्स्ट इसके लिए थोड़ा सा ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि इसको एक बड़ा टैंक दूंगा. जब भी आप नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे तो आपको ये थोड़ा बड़े टैंक में, बड़े साइज़ में मिलेगा आपको. सो दूसरी फिश की तरफ बढ़ने से पहले इस गार की मैं आपको पूरी बॉडी दिखाना चाहूँगा. ये देख सकते हो आप क्लियरली, तो जब आप एक बड़ी सी गार को एकदम ऐसे वे में देखते हो कि बॉडी पर ना कहीं पर स्पॉट है, मार्क है, ये हार्डवर्क होता है, एफर्ट होता है एक हॉबीस्ट का इसे प्रॉपरली रखने में और क्रिस्टल क्लियर पानी में रखने में और वाटर की मेंटेनेंस प्रॉपरली करने से. तो ये दर्शाता है उनकी हार्डवर्क और उनकी एफर्ट्स. और जितना मैं गार्स के बारे में जानता हूँ, तो जब गार की बॉडी एकदम ऐसी होती है, एकदम ब्यूटीफुल स्पॉटलेस, तो इसका श्रेय जाता है उसके कीपर को. तो ये देख सकते हैं आप, ये गार पूरी एंजेलिक ब्यूटी दिखाई दे रही है. सो नेक्स्ट फिशेस जिनके बारे में हम बात करेंगे, ये वाले फिशेस मॉन्स्टर फिश लवर्स और कीपर्स की वन ऑफ द फेवरेट फिश होते हैं. और जब ये बड़े हो जाते हैं तब इनकी आपको एक्चुअल में पैटर्न, बॉडी शेप, साइज़ दिखाई देगी. जैसे कि इस फिश पर आप क्लियरली इसका हम देख सकते हो. तो ये जो डेवलपमेंट है ये होती है जब ये फिश
अपने एक्चुअल रूप में आती है, एडल्ट हो जाती है. ऑल्सो लुक एट द डॉर्सल, एनल, कॉडल, फिन के कलर्स. तो ये सब होता है जब ये अडल्ट स्टेज में पहुंचती है. जब ये बच्चे होते हैं तब ये मामूली दिखती है, ऐसे इतने फीचर्स और इतने अपीयरेंसेस नहीं होते इसमें. बट जैसे जैसे आप इस फिश को रखते हो, पालते हो, बड़ा करते हो, उतनी खुशी आपको मिलती जाती है कि ये अपने पैटर्न ग्रो करती है और एकदम ब्यूटीफुल दिखती है. सो इनके बारे में बताइए, क्या नाम है इनका और इनके कौन से फीचर्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद है जिसके चलते आपने सोचा कि इनको टैंक में रखते हैं, और कैसा बिहेवियर होता है इनका, टेम्परमेंट बताइए, कब लाए थे आप इनको और कितनी ग्रोथ इन्होंने कितने टाइम में अचीव करी. ओवर टू यू. ये पिकॉक बास है, मोनोक्यूलस पिकॉक बास है, और इन्हें मैं लेके आया था तब अभी देखा जाए तो लगभग ये 20 मंथ्स कंप्लीट कर चुके हैं. और जब ये मेरे पास में थे तब इनका साइज़ था अप्रोक्स 2 इंच साइज़ था, बहुत ही बेबी साइज़ था एकदम. और अभी ऑलमोस्ट ये 16, 17, 18 इंच के आसपास में पहुंच गए हैं. इसमें से दो मेरे पास में हैं जो वो फीमेल्स हैं, और दो आप देखेंगे जिन पे हम पाया हुआ है ये मेल हैं. तो ऐसे करके मेरे पास में टोटल 4 पिकॉक बास हैं. और ये बाकी मछलियों की अपेक्षा देखा जाए तो ये थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, और ये एग्रेसिव मतलब ईटर भी होते हैं, और अच्छा बहुत एक्टिव मछली है ये, और ये ट्रू मॉन्स्टर फिश बोल सकते हैं इसको. और ये अरवाना एलिगेटर गार के साथ में ये परफेक्ट मेट्स हैं इसके. सो इस मॉन्स्टर फिश टैंक में है अरवाना ट्रायो. तो जैसे कि आपको पता है कि आपको अरवानास ऑड नंबर्स में रखने हैं, लाइक 1, 3, 5, 7, तो उसी को फॉलो करते हुए इन्होंने भी ऑड नंबर में रखा है. 3 अरवानास हैं, बट 2 एशियन हैं और 1 सिल्वर है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 2 एशियन हैं वो सेम नहीं है. इसकी मैं आपको स्केल्स दिखा देता हूँ, ये देखिए रिम्स, देन इस वाले की देखिए. सो ये डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं कि ऐसा क्यों और ये दोनों कौन सी अरवानास हैं. तो सबसे पहले ये वाली आप बताएंगे हमको और दोनों का डिफरेंस भी बताइए प्लीज़. ये जो अरवाना देख रहे हैं आप, ये आरटीजी अरवाना है. ये एशियन अरवाना में रेड टेल गोल्डन अरवाना इसको कहा जाता है. और ये आरटीजी अरवाना मतलब इसकी टेल के कारण इसको रेड टेल होता है, इसके कारण इसको आरटीजी कहा जाता है. और इसके आप क्लियरली देखेंगे स्केल्स में डिफरेंस है. एक जो दूसरा मेरे पास में है उसमें आप देखेंगे इसमें स्केल्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा. इसका स्केल्स जो होता है ये बंजर रेड है, और इसका स्केल्स जो है वो हाईलाइट नहीं होता है. जहाँ तक आरटीजी का आप देखेंगे तो अलग ही आपको स्केल्स प्रॉपरली जमा हुआ अलग अलग दिखेगा इतना. और ये बंजर रेड अरवाना है. ये दोनों अरवाना मेरे पास में एशियन अरवाना है. इसके अलावा मेरे पास में सिल्वर अरवाना है जो कि सब जानते ही हैं. तो ये भी मैं लगभग 1.5 साल पहले ही मैं लेके आया था. लगभग इसको 18 to 20 months मेरे पास हो चुके हैं. ये भी बेबी साइज़ में लेके आया था, तभी से ये मेरे पास है. और ये तीनों एक साथ में रह रहे हैं, एकदम सही से रह रहे हैं, ठीक से. ये बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करते हैं और अच्छे से रह रहे हैं. और ये सिल्वर अरवाना क्या साइज़ की आपके पास? ये सिल्वर अरवाना का साइज़ अप्रॉक्स 2 feet के आसपास का इसका साइज़ होगा. और ये भी सेम साइज़ में ही थी, लेकिन इसकी ग्रोथ थोड़ी इनके मुकाबले थोड़ा सा जल्दी ग्रो कर गई है, तो इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है. ओके, सिल्वर अरवाना भी देखिए, इसकी स्केल्स, इसकी बॉडी ना ड्रॉप आई है, ना फिन कट है, ना स्केल कट है, एकदम प्रॉपर बेस्ट कंडीशन में है पूरी. सो यहाँ पर है एक पैरट फिश, बट इसकी आप कर्व देख सकते हैं और साइज़ देख सकते हैं, थोड़ी सी थिक है. तो ये कौन सी वाली पैरेट है वो हम जानेंगे. ये मेरे पास में किंग कॉन्ग पैरेट है, और ये सिंगल पीस इस टैंक में है, येलो किंग कॉन्ग है. और चूंकि मेरे टैंक्स में जो है कलर की थोड़ी सी कमी थी, इस कारण से मैंने इसको रखा है. और ये इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे पास में, अभी ज़्यादा टाइम पहले नहीं लेके आया हूँ, 2-3 महीने पहले ही मैं इसको ऐड किया हूँ उस टैंक में. तो ये बाकी इनके साथ में अच्छे से सपोर्ट कर रही है फ़िश और अच्छे से रह रही है. तो ये भी कह सकते हैं कि अरवाना वगैरह, अरवाना पिकॉक बास का टैंक मेट्स मतलब अच्छा टैंक मेट है पैरेट फिश.
So now it's time to watch the feeding of these monsters. But before that, let us get to know कि ये क्या खाते हैं और क्या खाकर इनकी साइज़ इतनी अच्छी से ग्रो हो पाई है और कैसे इनको फीडिंग दी जाती है, क्या दी जाती है, वो सब जानेंगे। अभी फ़िलहाल में मैं इनको वैरायटी ऑफ फूड्स मैं दे रहा हूँ इनको। तो जब ये छोटे साइज़ में मैं लेकर के आया था तब मैं सिर्फ इनको पैलेट्स पे रखा हुआ था, अरवाना वगैरह, पिकॉक बास, ये सब पैलेट्स पे ही थे मेरे। और जैसा कि मैंने सुना था कि ये पैलेट्स नहीं लेते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ सबको कि मेरे यहाँ पर आप देख रहे हैं फिशेस सारे टैंक में, तो ये सभी पैलेट्स पे हैं। और जहाँ तक कि प्लैटिनम गार की बात है कि इतना बड़ा साइज़ का प्लैटिनम गार है और ये भी अभी पैलेट्स ले रहा है। और इसके पैलेट्स के अलावा भी मैं इनको कुछ कुछ बीच बीच में दे देता हूँ। मैं जैसे कि इनको चिकन देता हूँ कभी कभार, और चिकन के अलावा इनको प्रॉन्स भी मैं डालता हूँ, मील वॉर्म्स वगैरह भी मैं इनको देता हूँ। तो वैसे अभी जब छोटा साइज़ था इनका तब मैं इनको डेली फीड कराया करता था, बट अभी मैं इनको ट्वाइस इन अ वीक, मतलब मैं दे रहा हूँ, हफ्ते में सिर्फ दो दिन मैं इनको फीड करा रहा हूँ। और ये अच्छे से खा लेते हैं खाना, तो इसके कारण कि मैं इनको मतलब डेली नहीं देता हूँ, क्योंकि टैंक भी गंदा होगा और फिर ज़्यादा ऐसा। और फूड अपन इनको अच्छा देंगे तो ये हेल्दी रहेंगे, और फिर दूसरा ये है कि ये एग्रेसिव नहीं होंगे ज़्यादा। अगर पेट भरा रहेगा, अच्छे से खाएंगे, तो फिर इनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। और फिर मतलब आप देख रहे हैं मॉन्स्टर फिशेस, मतलब सारे मॉन्स्टर हैं, तो आपस में जैसे कि अगर भूख लगी है किसी को तो वो आपस में लड़ भी सकते हैं। तो अच्छे से अपन इनको फीडिंग देंगे तो इनके लड़ाई झगड़े के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, और फिर हेल्थ भी अच्छी रहती है इनकी। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में, कि अभी फ़िलहाल मैं आपको चिकन फीड करके दिखाऊंगा कि चिकन देखिएगा आप ये कैसे खाते हैं, और उसके बाद मैं आपको पैलेट्स भी दिखाऊंगा कि पैलेट्स देखेंगे आप ये कैसे खाते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू वॉच द फीडिंग ऑफ दिस मॉन्स्टर्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लोग ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं, अटेंटिव हो चुके हैं, क्योंकि सरफेस पे आ चुके हैं। एंड लुक एट दैट प्लैटिनम गार, इट इज़ ऑलरेडी लुकिंग टूवर्ड्स द टॉप। सो जी, आप दिखा सकते हैं हमको फीडिंग, फिर चिकन की फीडिंग। सो हियर इट गोज। सो ये सारे टूट पड़े, देखिए। So it's always a treat to watch, fun to watch the monsters feeding on meat and fish. Look at that platinum gar, kaise jhapta maar ke isne khaya. So it has grabbed a piece of chicken meat, look at that. So ये देखिए, इन्होंने अपने प्लैटिनम गार को पैलेट ट्रेन किया है। Look at that, how the gar is feeding on the pellet. ये देखिए गार पैलेट्स खा रही है किस तरह से। इसका मतलब अगर आप प्रॉपरली ट्रेन करते हैं गार को टू एक्सेप्ट पैलेट फीडिंग, तो ये पैलेट्स भी खा सकती है और खा पाती है। बट अगर आपने उनको आदत, ये देखिए कैसे खा रही है। एंड आई एम ऑल्सो वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ गार इज़ फीडिंग ऑन पैलेट्स, सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो एन अनकॉमन साइट। यहाँ पर कुछ लग रहा है, शायद से हमारे कुछ व्यूवर्स को भी ऐसा लगता होगा कि अब ये टैंक इनके लिए थोड़ी छोटी पड़ रही है, बिकॉज़ आपके प्लैटिनम गार के लिए या आपके एरवानास के लिए, क्योंकि उनकी साइज़ बहुत बढ़ चुकी है। तो कुछ कहना चाहेंगे कि आप अपग्रेड करेंगे या इनको शिफ्ट करेंगे उसके बारे में? जी, अभी
एक्चुअली जब मैं इनको लेकर के आया था तब इनका साइज़ इतना नहीं था और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मतलब प्रिपेयर नहीं था कि ये इतने जल्दी इतना साइज़ ग्रो कर लेंगे, तो इसलिए अभी दिक्कत लग रही है इसमें। और मैं बहुत जल्द मेरा मतलब कह सकता हूँ कि अभी काम भी चालू है, अब मैं इनको बड़ा टैंक मेरा रेडी हो रहा है और आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बिल्कुल आपको ये फिशेस जो हैं और बड़े साइज़ में मिलेगी और बड़े टैंक के अंदर आपको मिलेगी है। तो बिल्कुल मैं इस बात को ध्यान रखते हुए, बट मैं एक्चुअली प्रिपेयर नहीं था इस चीज़ के लिए इसलिए ये सब आपको देखने को मिल रहा है अभी। बट नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे तो प्रॉपर टैंक साइज़ में आपको यही फिश देखेंगे। So I visited Bhopal for the very first time just to cover these mesmerizing graceful monster fishes. The day I saw the video of these fishes, I decided ki inko cover karna hoga because badi acche dhang se inko rakha gaya hai. So you let me know in the comment section ki ye monster fish tank aapko kaisi lagi ya isme se kaun si fish aapko sabse zyada pasand aayi. So dobara aapko har ek fish mein dikha deta hu. Each and every fish is सो एक्टिव, वेरी वेल मेंटेन्ड कि किसी पर भी आपको कोई भी मार्क्स या स्पॉट्स नहीं दिखेंगे। सो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड बिकॉज इनके पास और मॉन्स्टर्स है और फिश टैंक्स है और रेप्टाइल्स भी है जो हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स अबाउट योर व्यूज़ एंड थाट्स अबाउट दिस वीडियो। I'll see you again next time in another interesting, entertaining and informative video coming soon on SG Inceptions. Thank you so much for watching. Happy fish keeping and have a wonderful day ahead.